हेलो एविबी टू डे डिस्कस अबाउट द पोलराइजेशन इन डायलैक्ट्रिक मटेरियल्स डायलैक्ट्रिक मटेरियल्स आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ अपनी पिछले वीडियो में कि डायलैक्ट्रिक क्या होते हैं और कितने पोलर या नॉन पोलर कौन से होते हैं डायलैक्ट्रिक क्या होते हैं डायलैक्ट्रिक वो होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती आज हम पढ़ेंगे कि पोलराइजेशन कैसे होता है जैसे ही अगर हम किसी मीडियम में रखते हैं किसी चार्ज प्लेट को तो वो पोलराइजेशन यानी जो जिसमें बाउंडेड इलेक्ट्रॉन रहते हैं जैसे ग्लास सनमाइका और प्लास्टिक इसमें इलेक्ट्रॉन या फिर न्यूक्लियस तो होते हैं मगर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बाउंडेड होते हैं यानी कि दे आर नॉट मूव इन अ सर्कल मतलब दे आर नॉट कम आउट एग्जैक्टली फ्रॉम द न्यूक्लियस तो जब हम फील्ड लगाते हैं तो वो क्या करते हैं ओरिएंटेड यानी अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं और जब इलेक्ट्रिक फील्ड को हटाते हैं तो वापस री ओरिएंटेड वापस ही उसी पोजीशन पर आ जाते हैं तो ऐसे को तो हम बोलते हैं नॉन पोलर और पोलर उन्हें बोलते हैं जिसमें उनमें जो है पोलराइजेशन रह जाता है ये पोलराइजेशन क्या होता है इसके बारे में हम इस तरह से पढ़ेंगे यहाँ पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की बात हो रही है कोई भी मीडियम है सपोज़ मैं कोई प्लास्टिक ले रहे सपोज उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्वर है एक साइड जो है न्यूक्लियस है और पोलराइजेशन क्या होता है कि जब हम इसमें डायलैक्ट्रिक मीडियम डालेंगे यहाँ पर कोई डायलैक्ट्रिक मीडियम डाला जिसमें ग्लास है प्लास्टिक है एक्सेट्रा और ये एटॉमिक स्ट्रक्चर उसका दिखाया है, तो न्यूक्लियस एक साइड पॉजिटिव आ जाएगा और एक साइड नेगेटिव हो जाएगा तो या फिर यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा न्यूक्लियस में और ये नेगेटिव हो जाएगा डिपेंड करता है कि किस तरह से पोलराइजेशन क्या होता है व्हेन वी अप्लाई द मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ये फील्ड में जैसे लगाए ये बैटरी है और इसमें की है ये दो प्लेट्स हैं चार्ज प्लेट और जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे ये एक साइड नेगेटिव प्लेट बन जाएगी और एक पॉजिटिव प्लेट और इससे करंट पास होने लग जाएगा तो यहाँ ये जो बनेगा जो हमने जो डायलैक्ट्रिक डायलैक्ट्रिक बेसिकली एक तो इंसुलेटर ही रहता है तो इंसुलेटर को हमने डाला है यहाँ पर और इंसुलेटर से में इसमें जो है यहाँ पर क्या बनेगा पॉजिटिव चार्ज प्लेट बन जाएगी और यहाँ नेगेटिव क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है बाउंडेड है तो मूव नहीं करेगा बस पोलराइजेशन मीन्स कि इस तरीके से ये क्या बन जाएंगे चा, इंड्यूस चार्ज यानी चार्ज अपना में थोड़ी देर के लिए प्रोड्यूस जाएंगे अगर इसको प्लेट को हम स्विच ऑफ़ करते हैं यानी कि प्लेट फिर से न्यूट्रल हो जाती है तो ये फिर से रीओरेंटेड होकर आ जाए तो इस तरीके से जो डायलैक्ट्रिक होते हैं उन्हें बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स और जिसमें पोलराइजेशन रह जाता है आफ्टर रिमूविंग द इलेक्ट्रिक फील्ड दे आर कॉल्ड द पोलर मॉलिक्यूल्स यहाँ सिंपल मैनर में आपको जैसे यहाँ एक हमने uh, डायलैक्ट्रिक मीडियम ग्लास ग्लास प्लेट दिखा रखी है रेक्टेंगुलर उसमें यहाँ नेगेटिव इज द चार्ज और यह पॉजिटिव चार्ज जब आपने मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया और एल इज द बेसिकली लेंथ तो इसमें जो पोलराइजेशन होगा जो इसमें प्रोड्यूस होगा इसके हमने लिया दैट विल बी गिवन बाय पोलराइजेशन इज गिवन बाय इंड्यूस चार्ज जो मतलब आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट जो बनेगा दैट विल बी गिवन बाय क्यू एल यानी क्यू इज द चार्ज एनी चार्ज एंड लेंथ इज जो इसका डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस तो पोलराइजेशन इज गिवन बाय म्यू अपॉन ए वॉल्यूम दैट मीन्स वॉल्यूम सो वॉल्यूम जो हुआ हमारा हुआ ए अपॉन एल दैट इज़ क्यू अपॉन एल एल से एल कैंसिल गया तो क्यू अपॉन ए यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी आ गया तो पोलराइजेशन हमारा क्या बना दैट इज सरफेस डेंसिटी सरफेस चार्ज डेंसिटी से कहा जा सकता है तो पोलराइजेशन इज द सरफेस ड सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी कितना सरफेस पे उसका डेंसिटी मतलब एरिया वाइज पोलराइजेशन उसे कहते हैं इसे आप इंग्लिश में इस तरीके से कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिक डाइपोल्स दीज आर द इलेक्ट्रिक डाइपोल्स दैट इज फॉर्म्ड व्हेन दे आर ओरिएंटेड अलोंग द फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड And in the direction of uh, uh, electric field, that called the polarization. That this is the process known as the uh, polarization. That means the process of producing the when we put the these uh, insulator in between the plate and it produce the charges that induce charges when ordered in the field. That's called the polarization. And suppose we have given a slab and uh, having the. Uh, that wall A B C D and the E F G H and the distance between them is of length L and Q is so the electric dipole is given by Q into L so polarization that will be given by mu upon volume so mu is Q L upon volume is area into length length and get cancelled that the polarization is given by Q per A that is surface charge density so. Uh, this is the surface density we can say now the polarization constant we will deal now the polarization constant that polar polarizability constant we can say as mu is equal mu is directly proportional to e so after removing this proportional design that is alpha will come alpha e that is mu this is uh, mu is equal to अल्फा ईर अल्फा इज द पोलराइजेबिलिटी पोलराइजेबिलिटी कॉन्सेंट एंड ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड म्यू इज द डायरेक्टर कॉन्सटेंट तो यहां मैं बताया है कि डायरेक्टर कॉन्सेंट डायरेक्टर प्रोफेशनल इलेक्ट्रिक फील्ड के जब इसको हम प्रोफेशनल साइंस को हटाते हैं तो अल्फा आता है इसे पोलराइजेबिलिटी कॉन्सेंट कहा जाता है तो आप ये भी कह सकते हैं पोलराइजे डायलैक्ट्रिक पोलराइजेशन जो है न्यूमेरिकली इक्वल होता है सरफेस डेंसिटी के जैसे मैंने पीछे अभी डेरिवेशन में भी करके दिखाया जैसे यहाँ देखेंगे आप यहाँ जो पहले तो हमने डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट निकाला फिर उसका डा डायलैक्ट्रिक जो है वो क्यू इन एल अपॉन द वॉल्यूम तो लेंथ लेंथ इसकी वैल्यू पुट करी और वॉल्यूम के जो था एरिया इनटू लेंथ 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 कैंसिल हुई और ये मिला हमको P इज इक्ल टू क्यू अपॉन ए इस तरीके से हमने इसे कैलकुलेट करा आज के बस इतना ही और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दें जिससे कि उन्हें मेरे आने वाले वीडियोज़ की अपडेट्स मिलते रहें और फिज़िक्स समझने वाले वीडियोस जिसमें आसानी से फिज़िक्स समझ जाता है वो वीडियो मिलते रहें और उनका स्ट्रॉन्ग बेस हो और स्ट्रॉन्ग बेस हो जिसके वजह से कोई भी उनसे क्वेश्चन पूछे फिज़िक्स का तो वो आराम से उसके आंसर दे पाए और अच्छे मार्क्स प्राप्त करें यही गेट ही गेट द वेरी गुड मार्क्स इन फिज़िक्स और किसी के सामने बोलते हैं ही गेट इम्प्रेस्ड वेरी इजली इन इंटरव्यू इंटरव्यू के दौरान अगर कोई आपसे पूछे इन फिजिक्स क्वेश्चन तो आप सही सही जवाब दें जिससे वो इम्प्रेस होके आपको अच्छे मार्क्स दें आज के लिए बस इतना ही थैंक